नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, भाई सऊदी अरबिया में तो आपको पता है, मैंने पहले भी कुछ भी बताया था कि भाई कोरोना काल में वैसे भी आपको पता है सबको जॉब वगैरह बहुत कम हो रहे हैं, जो आए वो वापस नहीं जा सके वगैरह वगैरह, आप सबको पता ही है। जी हाँ, लेकिन सऊदी अरबिया आपके पता है जो बिल सलमान है वहां के जो राजा, आपको पता है एक यंग जनरेशन का बंदा है, उसने विजन 2030 रखा है। विजन 2030 तक वो ऐसा सऊदी को बनाना चाहता है कि दुबई से ज्यादा लोग टूरिस्टर, सब कुछ इन्वेस्टर टूरिस्टर या फिर एक्स वाई जेड कोई भी जितने लोग हैं सबके सब सऊदी पहुंचे। जी हाँ, और उनका टारगेट ये है कि भाई सऊदी को एक तेल के ऊपर डिपेंड न करके अलग इकोनॉमी में बढ़ाया जाए। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत सारे अधिकारों में छूट दी, आप सबको पता ही है, ड्राइवरी में छूट मिल सकती है, मिल गई है, नौकरियों में छूट मिल गई है, वो अपना नाम सरनेम बिना हस्बैंड के चेंज कर सकती है, छूट मिल गई है। जी हाँ साथियों, पहले आपको पता है सऊदी में कोई महिला अपना सरनेम या नाम चेंज करना चाहती तो वो पुरुष महिला अपने घर वालों की इजाजत से वो चेंज कर सकती थी, लेकिन अभी ये नियम बन गया है कि भाई पुरुष की जरूरत नहीं है, वो अपना नाम बिना किसी की इजाजत से चेंज कर सकती है, तो ये महिला अधिकारों में शामिल हो गया। आज हम बात करेंगे कि सऊदी की महिलाएं इतनी तेजतर्रार निकलने की कोशिश है उनकी, वो निकल भी रही है कि आप लोगों के जॉब कम हो जाएंगे आने वाले टाइम में सऊदी अरबिया में। जी हाँ, आज तक आपने देखा होगा सऊदी अरबिया में महिलाएं जॉब नहीं करती थी, बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन सऊदी सरकार ने इसमें महिलाओं को जॉब के लिए भी आपको पता है छूट दे दी है। यहाँ पे एक देखिए, मैं बता देता, सऊदी महिलाओं ने अध्यायी प्रवासियों की जॉब, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, विदेशी लोगों पे पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक महिला थी, उन्होंने पहले वो घर में थी, फिर ये जो थोड़ी छूट मिली तो उसने अपनी शॉप डाल ली मार्केट में कपड़े धोने वाली, आपको पता है धोबी जिसको बोल सकते हैं। जी हाँ, कपड़ा धोना और उनको इस्त्री करके वापस देना, ये आपको पता है गल्फ कंट्रीज में कौन करते हैं, ज्यादातर जो प्रवासी है उनकी शॉप है वही करते हैं। जी हाँ, उन्होंने बता दूं बढ़िया तरीके से सेटिंग कर ली, 4-5 महीने में ग्रोथ करके 7 महिलाओं को उन्होंने अपने जॉब पे रख लिया, जो यंग जनरेशन युवा महिलाएं सऊदी की, लोकल महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उन्होंने और अच्छा उनकी सैलरी भी है, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने बोला 2030 तक हमारा टारगेट है, मैं जो विजन राजा के वहां का जो किंग साहब का जो है आदेश की भाई 2030 तक हमें सऊदी को चेंज करना है, उसमें हम भागीदार बनना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें, ये चाहते हैं कि भाई महिलाएं भी मार्केट में उतरें, नौकरी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, सब कुछ। जी हाँ, जो पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे वो अभी हमें मिल चुके हैं, तो ये एक प्रवासी लोगों के लिए एक थोड़ा सा भय का माहौल है कि भाई महिलाएं मार्केट में उतर जाएंगी तो फिर आपको पता है जॉब कम होना। अब एक महिला ने यहाँ पे शुरुआत करी, 7 महिलाओं को जॉब दे दिया, अब इसकी जगह 8 जो लोग थे वो तो इस तरह से बेरोजगार हो गए। वो उन्होंने बताया कि अच्छा उन्होंने काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया और कम समय में ज्यादा काम किया, आकर्षित हुई ग्राहकों को खींचने के लिए। जी हाँ, और ग्राहक भी भैया जहाँ महिलाएं आपको पता है जहाँ ज्यादा होती हैं तो वहां उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती है, कस्टमर जल्दी बढ़ते हैं उनके पुरुषों के मुकाबले में। जी हाँ, तो ये बस एक न्यूज देनी थी भाई, सऊदीया में भी महिलाओं को आजादी मिलती जा रही है, तो इस वजह से एक इफेक्ट पड़ेगा प्रवासी जो लोग हैं इंडियन आप लोगों के जॉब के ऊपर। जी हाँ, बस बाकी इसी से रिलेटेड हम एक वीडियो और भी बनाएंगे महिलाओं से रिलेटेड, वो आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।